दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपसे जुड़े हैं। हमारे YouTube चैनल शैलेंद्र अहमदाबाद में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे वीडियो में, हम इस समय वाराणसी सिटी स्टेशन पर उपस्थित हैं। और आइए आज आपको यहाँ के बारे में दिखाते हैं। और आपको स्टेशन के ठीक बाहर तमाम किस्म के पौधे लगाए गए हैं जो स्टेशन की सुंदरता को बढ़ाते हैं और यहाँ पर आने जाने वाले यात्रियों को छाया के रूप में भी काम आते हैं और यह वातावरण को शुद्ध करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह टिकट घर है और आइए हम ले चलते हैं आपको टिकट घर के अंदर और यहाँ के बारे में आपको बताते हैं और दिखाते हैं टिकट काउंटर। देख पा रहे हैं ये EVM मशीन के द्वारा टिकट दिया जा रहा है और यह टिकट घर है। यहाँ पर टिकट काउंटर भी है, आप अपने सुविधा अनुसार जहाँ से चाहें वहाँ से टिकट ले सकते हैं। यह आप ही के लिए है और अच्छा व्यवस्था है। मेन गेट है और इसी स्टेशन में एंट्री करेंगे और आप चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और दिखाते हैं वहाँ का माहौल आपको। यह रेलवे डॉक्टर बात कर रहे हैं जो दुर्घटना होने का चांस बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसे हम प्लेटफार्म नंबर 1 पर हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जब भी आप प्लेटफार्म बदलें तो ओवरब्रिज के माध्यम से ही बदलें, क्योंकि ओवरब्रिज के माध्यम से बदलेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और सेफ्टी बने रहेगी, यह आपके लिए ही बना है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह सीन हम ओवरब्रिज पर खड़े होकर दिखा रहे हैं और यहाँ से स्टेशन का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि वाराणसी जब आप आएंगे, अगर आप पहली बार वाराणसी आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि कहाँ उतरें, क्योंकि यहाँ पे 4 ही स्टेशन मिलता है, वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन, सारनाथ और एक बनारस के नाम से जाना जाता है जिसको मड़वाडी भी कहते हैं। जब लोग पहली बार यहाँ पे आते हैं तो वो सोचते हैं कि कहाँ उतरें, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं इन चारों जगहों के चारों नामों को सुनकर। तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले यह निश्चित करिए कि आपको जाना कहाँ है। अगर आपको सारनाथ जाना है तो आप सारनाथ उतरेंगे तो वहाँ से आपको आराम मिल पड़ेगा। आपको अगर BHU जाना है तो वहाँ से आप कैंट से उतर कर जा सकते हैं आराम से। अगर आपको सुंदरपुर अदरवाइज या साइड जाना है तो आप मड़वाडी या बनारस रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। अगर आपको गोलघट्टा समेत अन्य जगहों पर जाना है तो आप सिटी पर उतर सकते हैं। लेकिन अगर आप जब रात की टाइम आएँ तो कोशिश करें कि आप रेलवे स्टेशन वाराणसी कैंट पर ही उतरें, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगी और वहाँ से जहाँ भी चाहेंगे आप चले जाएंगे। BHU चाहे, सारनाथ चाहे, चाहे आप विश्वनाथ मंदिर जाना चाहें, चाहे गंगा घाट जाना चाहें, हर जगह पर आपको जाने के लिए वहाँ से सुविधा मिल जाएगी और आपको वहाँ से जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि कोशिश करिए कि आप वाराणसी कैंट से उतरिए और वहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर पूरे 5 प्लेटफार्म हैं और यह वाराणसी छपरा मेन लाइन माना जाता है और यहाँ से आपको छपरा, गोरखपुर आदि जगहों के लिए ट्रेन मिल जाएगी। ये देखिए खाने पीने के लिए कैंटीन की भी सुविधा है और बहुत ही साफ सफाई का यहाँ पर पूरा व्यवस्था किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रेलवे स्टेशन के बाहर रेल कोच रेस्टोरेंट बना हुआ है, इसमें भी आप कर शुद्ध शाकाहारी भोजन प्राप्त कर सकते हैं, खा सकते हैं और मैंगो जूस वगैरह भी, फ्रूटी वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बिस्किट वगैरह भी मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप आके एंजॉय कर सकते हैं, यह बहुत अच्छा सुविधा बना हुआ है।